टू एवरी वन, दिस इज़ सुजीत सिंह एंड हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जो क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसको बोल रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो हमने इससे रिलेटेड एक फर्स्ट वीडियो लॉन्च कर दी है। हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे चेक कर सकते हैं। और अभी तक मुझे आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो नहीं किया है तो आप इसे इस आईडी की हेल्प से भी फॉलोअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम स्टडी करेंगे कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे मिड 19th सेंचुरी में, उस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से थॉमस हॉन्ट मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेट करके ये फाइनली हाइपोथेसाइज किया था कि जो मेंडल ने मिड 19th सेंचुरी में जो गार्डन पी पाइसम सैटाइवम प्लांट को लेकर के हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस किया था, वो उनकी रिजल्ट से एग्जैक्टली सिमिलर थे। ठीक है, थॉमस हॉर्न मॉर्गन ने ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई को लेकर के जो क्रॉस किया था तो उसमें भी एग्जैक्ट वही रिजल्ट आया था जो मेंडल ने 19th सेंचुरी में परफॉर्म किया था। ठीक है, तो चलिए लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात किया था, उसे हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने मेंडल के बारे में कुछ चीजों को स्टडी किया था कि लाइक मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पहली पहला पॉइंट ये है बच्चे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जो था वो गार्डन पी कैसा प्लांट है, तो डायप्लॉइड प्लांट है, या आप कह सकते हैं डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। डायप्लॉइड मींस यहां पर दो पोलाइड है, मतलब आप डायप्लॉइड को हमेशा 2n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहां पर गार्डन पी में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 14 है, और अगर इसे आप पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2n इक्वल टू 14, इट मींस यहां पर 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। ये बात तो सभी को क्लियर है बच्चे। अब देखो, मेंडल ने कुछ ट्रेट को सेलेक्ट किया था, मेंडल ने कुछ ट्रेट या आप कह सकते हो कुछ कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था, और ये कैरेक्टर जो सेलेक्ट किया था सभी के दो फॉर्म थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्म थे, इसलिए मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया था इसका जो नेचर है वो कैसा था, क्वालिटेटिव टाइप का था। ठीक है, मींस ये जो नेचर है या तो ट्रेट का नेचर डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा। यहां तक चीजें क्लियर थी? अब देखिए, बेसिक चीजों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया है बच्चे, और बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। बच्चों को कभी कभी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स बहुत टफ लगते हैं, उसके पीछे जो मुझे रीजन समझ में आता है बच्चे वो बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमेशा ये ट्राई कीजिए कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, उन टर्म को क्लियर रखना है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, मेंडल ने बेसिकली जो ट्रेड सेलेक्ट किया था उस ट्रेड का नेचर क्या था, क्वालिटेटिव। अब देखो यहां पर दो चीजें आती हैं, मेंडल ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था उस पहले एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में अगर आप किसी एक पेरेंट को, आपने सपोज एक पेरेंट आपने मेल लिया और एक पेरेंट आपने क्या लिया, फीमेल लिया। ठीक है, और ये क्या है, पेरेंट है। अब इनसे क्या फॉर्म होगा, गैमीट का फॉर्मेशन, या आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, तो हमेशा किसी भी मेल बॉडी या किसी भी फीमेल बॉडी से सबसे पहला स्टेप क्या है, गैमेटोजेनेसिस, जिसको आप बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट।
ठीक है, इन चीज़ों को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट इससे पहले एक छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं बिल्डअप कर देता हूँ। तो बेसिकली हमने ये अंडरस्टैंड किया बच्चे, यहां पर दो टर्म आते हैं, एक टर्म आता है होमोजाइगस, एक टर्म आता है होमोजाइगस और दूसरा टर्म आता है हेटरोजाइगस, ठीक है। और मेंडल के जो भी लॉ हैं वो सभी डायप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स पर एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि एक टर्मिनोलॉजी जो है जिसको हम बोलते हैं होमोजाइगस और दूसरी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं हेटरोजाइगस। सपोज आपने किसी एक क्रोमोसोम को कंसीडर किया, किसी एक क्रोमोसोम्स को क्या किया, कंसीडर किया। तो बेसिकली आपने एक क्रोमोसोम लिया और उस क्रोमोसोम्स की डबल कॉपी प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि आप देखोगे तो ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम्स है। अब देखो होगा क्या कि सपोज इस क्रोमोसोम, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है क्रोमोसोम्स का, ये सपोज मैटर्नल क्रोमोसोम है और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो एक मैटर्नल क्रोमोसोम और दूसरा पैटर्नल क्रोमोसोम। मैटर्नल क्रोमोसोम कम फ्रॉम मदर साइड एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम फादर साइड, दैट्स वाई वी कॉल्ड एज मैटर्नल क्रोमोसोम एंड पी रिप्रेजेंट फॉर पैटर्नल क्रोमोसोम, ठीक है। तो चलो इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे मेंशन कर देता हूँ कि एम और पी है क्या, ठीक है। तो एम रिप्रेजेंट एज अ मैटर्नल क्रोमोसोम, एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मैटर्नल क्रोमोसोम्स को, और पी किसे रिप्रेजेंट करता है, पैटर्नल क्रोमोसोम। ये कम फ्रॉम मदर साइड और किस फॉर्म में आता है, तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये बेसिकली ओवा या एग से आता है, ठीक है। दोनों एक ही नाम है। और पैटर्नल क्रोमोसोम कम फ्रॉम फादर साइड और यहां पर जो गैमीट है वो क्या है, स्पर्म, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली ये क्या है, गैमीट है, ठीक है। ये सब क्या है, गैमीट है। बात क्लियर है यहां तक। अब देखो होता क्या है कि अगर आप मैटर्नल क्रोमोसोम पर किसी एक जीन को टारगेट कर रहे हो, सपोज कैपिटल टी, तो पैटर्नल क्रोमोसोम पर भी सेम लोकाई पर जो जीन प्रेजेंट है वो कैपिटल टी के फॉर्म में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह के जीन के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं होमोजाइगस क्रोमोसोम। ये कैसा क्रोमोसोम है, ये कैसा क्रोमोसोम है, तो होमो जाइगस क्रोमोसोम। बेसिकली हमने यहां पर अंडरस्टैंड किया कि जो हेमीजाइगस का टर्म है उसको हम स्टडी करेंगे हिट्रोजाइगस, ओके। तो बेसिकली यहां पर अगर हम देखें हिट्रोजाइगस, तो हिट्रोजाइगस में बेसिकली जीन्स का नेचर डिफरेंट होता है। सपोज अगर आपके पास एक क्रोमोसोम्स हैं जिसको आप बोलते हैं, ये जो है बेसिकली कहाँ से आया है बच्चे, मैटर्नल साइड से, और दूसरा क्रोमोसोम कहाँ से आया है, पैटर्नल साइड से, ठीक है। तो सपोज अगर हम बात करते हैं कि ये क्रोमोसोम कहाँ से आया है, मैटर्नल साइड, और ये क्रोमोसोम कहाँ से आया बच्चे, पैटर्नल साइड। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक जीन है जिसको हम कैपिटल टी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेम लोकाई पर इस जीन का जो नेचर है वो रिसेसिव फॉर्म में है, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो दोनों एक दूसरे की अल्टरनेट कॉपी हैं, दोनों एक दूसरे की अल्टरनेट कॉपी हैं, मीन्स ये दोनों एक दूसरे की क्या है, एलील्स हैं, ठीक है बच्चे। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस कॉम्बिनेशन कॉल्ड एज हिट्रोजाइगस, या आप बोल सकते हैं हिट्रोजाइगस क्रोमोसोम या हिट्रोलोगस क्रोमोसोम,
ठीक है, होमोलोगस या हिट्रोलोगस क्रोमोसोम्स को हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब एलील का नेचर बिल्कुल सेम हो तो होमोजाइगस क्रोमोसोम बोल देते हैं या होमोलोगस क्रोमोसोम बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, हिट्रोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है बच्चे कि बेसिकली अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा रिलेट करके चलें, एलील इंट्रैक्शन और नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन, तो हमने ये समझा बच्चे कि पहले अगर हम एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर रहे हैं और इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स को अगर हमने ये बात किया कि ये सेंट्रोमियर है इस क्रोमोसोम्स का, सपोज ये क्या है, सेंट्रोमियर है, और ये मैटरनल साइड का क्रोमोसोम है और ये पैटर्नल साइड का क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर हम बात करें कि यहाँ पर कोई कैपिटल आर और यहाँ पर कोई स्मॉल आर, यहाँ पर कोई कैपिटल टी, यहाँ पर कोई स्मॉल डी, या बहुत ढेर सारे जीन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, सपोज यहाँ पर कोई कैपिटल बी और यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल बी जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि सपोज अगर हमने ये क्रोमोसोम नंबर वन की बात कर रहे हैं और क्रोमोसोम नंबर वन जो है एक कॉपी आपके मदर साइड से आया है, दूसरा कॉपी आपके फादर के साइड से आया है, ठीक है, गैमिट्स के फॉर्म में, और वो आने के बाद क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि यहाँ पर एलील कौन कौन से हैं और नॉन एलील कौन कौन से हैं, तो इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो कैपिटल आर और स्मॉल आर हैं, साथ में कैपिटल बी हैं, साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, ये सभी क्या हैं, एलील्स हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, एक दूसरे की अल्टरनेट कॉपी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों क्या है, एलील हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर एलील क्यों हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट हैं सेम लोकाई पर। ठीक है, अगर हम कैपिटल आर और स्मॉल आर को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एलील हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि इसमें नॉन एलील कौन से हैं, नॉन एलील कौन से हैं, तो अगर हम बात करें कैपिटल आर और कैपिटल बी, तो ये क्या है, नॉन एलील है, नॉन एलिलिक। ठीक है, अब नॉन एलिलिक क्यों है, क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल बी की लोकेशन क्रोमोसोम पर क्या है, डिफरेंट है, बिकॉज दे प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस, और ये बेसिकली क्या है बच्चे, तो ये सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं, सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक, तो नॉन एलील वो होते हैं जिनका लोकस क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमने यहाँ पर बात किया होमोलोगस और हेट्रोलोगस, तो जब भी कोई इंट्रैक्शंस होते हैं इन्हीं एलिक इंट्रैक्शन में, तो अगर हम इंट्रैक्शन को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ें तो बेसिकली जो ये इंट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इंट्रैक्शन यहाँ दो तरीके से होते हैं, एक तो एलिलिक इंट्रैक्शन और दूसरा है बच्चे नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन। एलिलिक इंट्रैक्शन में सपोज कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में इंट्रैक्ट होकर के किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पर नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन में हम स्टडी करते हैं लिंकेज फेनोमेना को। किसको, लिंकेज फेनोमेना के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो इंट्रैक्शन है अगर हम जेनेटिक्स के रिस्पेक्ट में देखें, तो जेनेटिक में इंट्रैक्शन या तो वो एलिलिक इंट्रैक्शन होगा या तो वो नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम अभी एलिलिक इंट्रैक्शन को समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर है क्या कि जो ये एलिलिक इंट्रैक्शन है, इसे हम फोर टाइप्स के फेनोमेना से अंडरस्टैंड करेंगे और उसे हम बोलेंगे, पहला क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस। क्या है पहला केस, क्या है,
कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरा क्या है पार्शियल डोमिनेंस, या इसी का नाम है इनकंप्लीट डोमिनेंस, तीसरा जो है उसको हम बोलेंगे को डोमिनेंस, और फोर्थ जो है उसको हम बोलते हैं ओवर डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस। तो बेसिकली जो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो केसेस हैं एलिक इंटरेक्शन के बारे में, इन्हीं को हम बहुत डिटेल्स में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम एक आपको पार्ट बता देते हैं कि अगर हम पहला पार्ट पढ़ें कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में, तो सपोज आपके सामने एक क्रोमोसोम है, ठीक है। सपोज आपके सामने क्या है, एक क्रोमोसोम है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो अगर हम बात करें बच्चे कि यहाँ पर सपोज अगर ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है, दूसरा एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, तो सपोज अगर यहाँ पर एक B1 जीन प्रेजेंट है और यहाँ पर एक B2 जीन प्रेजेंट है, तो बेसिकली अगर हम बोलें कि B1 जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है किसके ऊपर, B2 के ऊपर, मतलब ये अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन B2 जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। देखो हमने बात किया था पिछले लेक्चर सीरीज में, हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर समझा कि जो भी जीन के अंदर DNA प्रेजेंट है वो DNA कंटिन्यूसली किस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, mRNA के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, और mRNA फर्दर क्या बनाता है, प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन है, जीन के अंदर क्या प्रेजेंट है, DNA प्रेजेंट है, और DNA ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा प्रोटीन के फॉर्म में, और ये प्रोटीन कोई ना कोई फंक्शनल प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो सपोज इस केस में, कंप्लीट डोमिनेंस के केस में, B1 जो है वो अपने आप को प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रही है और B2 जो है अपने आप को प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि B1 इज कंप्लीटली डोमिनेंट ऑन B2। ये बात समझ में आया। तो यहीं से रिलेट करिएगा आप मेंडल के फर्स्ट लॉ के बारे में, कि मेंडल जो है, मेंडल से आपने बेसिकली जो फर्स्ट लॉ में चीज़ों को समझाया, वहाँ पर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो मेंडल से आपने क्या किया फर्स्ट लॉ में, कि एक टॉल प्लांट लिया, एक क्या लिया, टॉल प्लांट लिया, और उस टॉल प्लांट को किसके साथ क्रॉस करा दिया, एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया। तो मेंडल से आपने एक लिया टॉल प्लांट, ठीक है, और दूसरा लिया ड्वार्फ प्लांट। बात समझ में आ रही है, एक क्या है आपका बच्चे, एक मेल बॉडी है और दूसरा क्या है, फीमेल बॉडी है। तो जब ये मेल बॉडी से गैमिट का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर कैपिटल टी गैमिट बनेगा और यहां पर क्या बनेगा, स्मॉल टी गैमिट बनेगा। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, गैमिटो जेनेसिस, या आप बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। तो ये क्या बना बच्चे आपके सामने, गैमिट बने, ठीक है, ये क्या बना, गैमिट बने। ये क्या थे बच्चे, पेरेंट थे, पेरेंट से क्या बनेगा, गैमिट बनेगा, और गैमिट फर्दर आगे चल के क्या करेंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, मीन्स ये एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी प्रोजनी को आप बोलेंगे F1 प्रोजनी। तो F1 प्रोजनी कैसा होगा, क्योंकि यहां पर जो कैपिटल टी है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर, मतलब ये जो केस है वो कंप्लीट
डोमिनेंस वाला केस है। बात क्लियर है बच्चे? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो एक दूसरे की अल्टरनेट कॉपी हैं, और यहाँ पर जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और ये गैमेट फर्दर आपस में फर्टिलाइज करके आपस में फ्यूज हो गए, तो इनसे जो बनने वाला पहला जो प्रोजनी है वो हमेशा कैसा होगा? टॉल इन नेचर। हमेशा कैसा होगा? टॉल इन नेचर। तो अगर मैं बात करूं कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल साहब ने क्या किया कि प्योर जो है प्योर ब्रीडिंग कराया, और ब्रीडिंग में एक उन्होंने लिया टॉल प्लांट और एक लिया ड्वार्फ प्लांट। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, दो टर्म्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं जीनोटिपिक, और दूसरे टर्म को क्या बोलते हैं? फिनोटिपिक। तो ये जो कैप F1 प्रोजनी को अगर F1 प्रोजनी को अगर आप यहां पर दो टर्म आते हैं, ठीक है, एक आता है जीनो टाइप और एक आता है बच्चे फिनो टाइप। तो देखो जीनो टाइप और फिनो टाइप का मतलब ये होता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये एक तरह के क्या है, F1 जनरेशन के जीनेटिक कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, मींस इनमें जीन का नेचर कैसा प्रेजेंट है। तो जीनोटाइप रिप्रेजेंट करता है जीनेटिक कॉन्स्टिट्यूंट को, किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनेटिक कॉन्स्टिट्यूंट्स को, या कह सकते हैं जीनेटिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इस जीनेटिक कॉन्स्टिट्यूंट के प्रेजेंट होने की वजह से उस प्लांट का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स कैसा बनेगा, तो उसी फिजियोलॉजिकल जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फिनोटाइप ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है। तो यहाँ पर फिनोटाइप में आप क्या देखते हैं? फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, मीन्स देख करके आप बोल सकते हैं कि प्लांट टॉल होगा या प्लांट ड्वार्फ होगा, लेकिन यहां पर देख करके आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, नॉट ऑब्जर्व बाई सीन। बात क्लियर है? तो देखो अगर हम यहां पे बात करें कि जो F1 प्लांट है, F1 प्रोजनी है, उस F1 प्रोजनी का जीनोटाइप क्या है बच्चे? वो ये है। बट अगर हम बात करें कि इस प्लांट का हाइट जो है वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, तो आप बोलोगे टॉल होगा। क्यों टॉल होगा? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, और हमने अंडरस्टैंड किया कि कैपिटल टी जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्मॉल टी के ऊपर। तो ये कम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, ठीक है। अब इसी चीज़ को मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम देखें, तो मेंडल साहब ने क्या किया कि एक लिया उन्होंने टॉल प्लांट, एक क्या लिया टॉल प्लांट, दूसरा क्या लिया ड्वार्फ प्लांट। अब इन दोनों प्लांट को अगर हमने ये देखा कि दोनों प्लांट्स को ये पेरेंटल हैं, इनसे क्या बनेंगे? गैमेट बनेंगे। गैमेट बनने के बाद क्या होगा? फ्यूज होगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में अगर हम चीज़ों को देखें तो बनने वाला जो प्रोजनी है, बनने वाले सारे F1 के प्रोजनी हैं, वो हमेशा कैसे होंगे? टॉल इन नेचर होंगे, ठीक है। हमेशा कैसे होंगे? क्योंकि जब भी आप इनको क्रॉस कराओगे, सभी 100% जो प्लांट बनेंगे F1 प्रोजनी में कैसे बनेंगे? टॉल इन नेचर बनेंगे। तो अगर इसी चीज़ को देखें तो मेंडल साहब ने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों को क्रॉस कराया, तो आपके सामने क्या हुआ? टॉल प्लांट ही आया, ठीक है। अब देखिए बेसिकली, लेकिन F1 जनरेशन को दोबारा से सेल्फिंग कराया, दोबारा से क्रॉस कराया, तो यहाँ पर जो बनने वाला प्लांट है उसमें एक प्लांट कैसा आया? ड्वार्फ प्लांट आया। मींस यहाँ पर जो F1 प्रोजनी में फिनोटिपिक रेशियो है वो तो जो है वो सभी टॉल प्लांट होंगे, लेकिन F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 का है। मतलब तीन प्लांट तो ऐसे हैं जो कैसे हैं? टॉल इन नेचर, लेकिन एक प्लांट क्या है? ड्वार्फ है। बात समझ में आ रही है? देखो इसको कैसे करते हैं। मेंडल साहब ने क्या किया कि एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा। तो इस कैपिटल टी से, जो इस पेरेंट से आपने क्या लिया, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ,
स्मॉल कैपिटल टी, स्मॉल टी गैमिट बना, ठीक है। ये दोनों को आपस में आपने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, जिसको आपने बोला क्या बच्चे, एफ वन जनरेशन या एफ वन प्रोजेनी। अब इसको आपने क्या किया, सेल्फिंग करा दिया, मींस सेल्फ क्रॉस कराया। जब आपने सेल्फ क्रॉस कराया तो अब इससे जो गैमिट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी से जो गैमिट बनेंगे, कैपिटल टी एक लिया आपने मेल बॉडी और इसी को क्रॉस कराया कैपिटल टी फीमेल बॉडी से, बात क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पर एक फीमेल और एक मेल। अब देखो होता क्या है कि अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी से गैमिट बनाएंगे तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के गैमिट बनेंगे, एक 50% जो गैमिट बनेगा वो कैपिटल टी वाला होगा और 50% जो गैमिट बनेगा वो स्मॉल टी वाला होगा, ठीक है। तो 50% गैमिट ये बना, 50% गैमिट ये बना। तो जब आपने इसको क्रॉस किया, आपने क्या किया कि जो गैमिट बन रहे हैं एफ वन प्रोजनी को लेकर के जो गैमिट्स बन रहे हैं, उन गैमिट्स को आपस में आपने क्या किया बच्चे, फ्यूज़ कराया। जब आपस में आपने फ्यूज़ कराया तो बेसिकली आपके सामने जो गैमिट्स बने वो क्या बने, एक होगा आपका फीमेल बॉडी का और दूसरा होगा मेल बॉडी का, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें मेल और फीमेल बॉडी का, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो एक जगह गैमिट क्या था आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी 50% मेल बॉडी का और 50% फीमेल बॉडी का, बात समझ में आ रही है। अब जब आपने इसको क्रॉस कराया आपस में तो यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। लेकिन अगर आप इसको फिनोटिपिक रेशियो देखो तो यहाँ पर ये प्लांट जो है वो टॉल नेचर का होगा, होगा कि नहीं होगा, देखो ये टॉल नेचर का होगा, ये टॉल नेचर का होगा, ये टॉल नेचर का होगा, लेकिन ये प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ नेचर का होगा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है, मींस जीनेटिक जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो जीनोटिपिक रेशियो हमेशा 1:2:1 होगा, कैपिटल टी और दो फॉर्म में है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और स्मॉल टी का केवल एक कॉपी प्रेजेंट है। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं कि इन एफ टू जनरेशन का प्रोजनी का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा बच्चे, 3:1। मींस तीन प्लांट ऐसे हैं जो टॉल नेचर के हैं लेकिन एक अकेला ऐसा प्लांट है जो डॉफ नेचर का है, तो ये 3 रिप्रेजेंट करता है टॉल को और 1 रिप्रेजेंट करता है डॉफ को, ठीक है। तो इसी मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आए हों और अच्छे लगे हों और इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा हो जेनेटिक्स के बारे में। देखो मेंडल के जो चैप्टर्स हैं ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स हैं, अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर ले जाएंगे तो बहुत अच्छे से बायोलॉजी के जो जेनेटिक्स के टर्म है ना, वो बहुत पूरी जेनेटिक्स को समझने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये लेक्चर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल अपने स्कूल्स के बैचमेट्स के साथ शेयर करो ताकि सभी का बेनिफिट हो और सभी इस बायोलॉजी के ईजी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस।